आराम, क्या हाल चाल है? सबके बढ़िया है। तो आज किसी रीजन से मुझे भोपाल जाना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा चार्टेड के अलावा अभी एक और नई बस स्टार्ट हुई है वर्मा वाले ने की, इलेक्ट्रॉनिक बस। अब इलेक्ट्रॉनिक बस है और चल भी रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। तो अभी लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो इस वीडियो में पूरी इस बस की इन्फॉर्मेशन दूंगा। एज ए पैसेंजर मैं रिव्यू करूंगा, इसके कोई मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रहे, ठीक है। तो अभी मैं हूँ 321 वाला जो बिजनेस पार्क है जस्ट उसके सामने वर्मा का ऑफिस है, ये कैफे के साइड वाली बिल्डिंग जस्ट होटल के नीचे, यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो। उसके अलावा बड़ी भमोरी में नियो गो नाम से एक लॉन्च है, वहाँ से भी आप टिकट बुक कर सकते हो। सरवटे पे भी वर्मा बस का ऑफिस है, वहाँ से भी टिकट बुक कर सकते हो। अब टिकट की प्राइस क्या है, सफ़र कैसा है, ये सारी चीज़ें वीडियो के एंड में दूंगा आपको, ठीक है। अभी 3 बजे की बस है और देखते कब तक पहुँचाती है वो, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखो, ठीक है। चलो चलते शुरू कर देना नया सफ़र। बस आ गई है, बस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो पूरी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक, और इसको चला रहा है वर्मा ट्रेवल्स। भैया आ चुके हैं डोडी। डोडी अभी इन्होंने एप्लीकेशन पे तो बताया था, इनकी वेबसाइट पे बताया था कि 2 स्टॉप्स तो रहेंगे, पर अभी डोडी आया है फर्स्ट स्टॉप्स, ठीक है। और अभी तो किसी कोई चैलेंज तो नहीं आया, पर एक चीज़ मेरे को थोड़ी अजीब लगी कि मैंने ना 10 मिनट पहले ही सीट बुक करी थी, और शायद इनके पास जो भी कंडक्टर होता है इनका, इनके पास कोई भी मेरी नोटिफिकेशन नहीं थी कि मेरी सीट भी है, तो उन्होंने मेरा कॉल वगैरह नहीं लगाया मेरे को। तो थोड़ा सा ये अजीब सा लगा कि कॉल लगाना था एटलीस्ट इनको कि भैया आपकी सीट है, पर ठीक है मैं आ गया था टाइम पर। तो देखो दोनों बसें साथ में खड़ी हैं। ये है नियोगो की इलेक्ट्रॉनिक बस और ये है इंदौर भोपाल चार्टर्ड। देखो दोनों बस का डिफरेंस बता देता हूँ अभी, ये है वॉल्वो की, ये है इलेक्ट्रॉनिक, और साइज देखा जाए तो सिमिलर ही है, पर इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। और बस की लंबाई पूरी नहीं, थोड़ी सी वॉल्वो बड़ी है, और ये सिंगल एक्सेल है, ये डबल एक्सेल है। अभी ये बोल रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाली बस है उसमें ये वाली आवाज़ नहीं आती, देखो इसमें कितनी आवाज़ आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये जब बस रोड पे चलती है ना तब इसमें भी नॉइस आता है, पर थोड़ा सा नॉइस कम है।
बस अभी लाल घाटी तक आ गई है। यहाँ से बस चेंज करनी पड़ती है। इस टाइप की पिकअप वैन रहती है, ये आपको ISBT और रेलवे स्टेशन तक पहुँचाएगी। और देखते हैं अपनी गाड़ी कौन सी है, अपने को किस में जाना है। ISBT यहीं से चढ़ना है क्या? बाप रे बाप, जगह ही नहीं है यहाँ। तो भैया आ चुका हूँ ISBT भोपाल, मतलब ये हबीबगंज में पड़ता है। और 7:15 हो गई है, 3:15 पे निकला था, करीब 4 घंटे के आसपास इन्होंने टाइम लिया। 2 स्टॉप का बताया था कि बीच में 2 स्टॉप रुकेगी, पर दो जगह नहीं रुकी, सिर्फ एक ही जगह रुकी है। इस बस का किराया चार्टेड से 100 रुपये कम है। चार्टेड का किराया 470 है और इसका किराया दो टाइप का। अगर आप बीच की सीट लोगे तो सीट पड़ेगी आपको 380 रुपये की, और GST मिला के कुछ 410-420 रुपये की सीट मिलेगी आपको। और अगर आप पीछे की सीटें लेते हो तो पीछे की साइड की सीट है 330 रुपये की, और फिर GST वगैरह मिला के, ठीक है, और कुछ मिला के 350 रुपये के आसपास जाएगी। तो अगर कंफर्टेबल की बात करें तो चार्टर्ड ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आप इस बस का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। 100 रुपये कम किराया और सेम टाइम ड्यूरेशन में ही वो भोपाल पहुँचाएगी आपको। बुक टिकट कहाँ से बुक करें? टिकट इसके लिए पेटीएम वगैरह पर भी इसका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैंने चेक किया था। तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, neogo.com, मैं वेबसाइट की लिंक यहाँ दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो टिकट बुक। या तो आप वर्मा ट्रैवल का जो ऑफिस है रेडिसन स्क्वायर पे है, और बड़ी भमोरी में इसका ऑफिस है, वहाँ से भी टिकट बुक कर सकते हो। सरवटे बस स्टैंड पे भी इसका ऑफिस है, वहाँ से भी टिकट बुक कर सकते हो। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। बस जो इलेक्ट्रॉनिक बस का एक्सपीरियंस जैसा मैं फील करना चाहता था वैसा कुछ फील हुआ नहीं, उतनी भी साइलेंट नहीं है, शोर आ रहा था। और बस चार्टेड इसलिए है क्योंकि वो यार कंफर्टेबल है, डबल एक्सेल है, अलग सस्पेंशन है उसका, वो बस का एक्सपीरियंस अलग है, इस बस का एक्सपीरियंस अलग है। 100 रुपये कम किराया है इसलिए मैंने आया, और आप लोगों को भी बताना चाहता था कि इस बस का एक्सपीरियंस कैसा है। इसलिए दूसरी जो सबसे बड़ी मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार एटलीस्ट वो छोटी बस थी, एटलीस्ट वो तो आ सकती थी ISBT तक, पर वो भी लाल घाटी तक आई, उसके बाद उन्होंने गाड़ी चेंज कर दी। और फिर गाड़ी चेंज करने में क्या होता है कि एक दो लोगों को सीटें मिली नहीं, वो ट्रैवलर के बीच में खड़े होके आए, तो ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं यार, कोई इतने दूर से आ रहा है और फिर खड़े रह के उसको लाल घाटी से ISBT तक खड़े रह के आना पड़ रहा है। तो लाल घाटी के यहाँ आके आपको रेलवे स्टेशन के लिए दूसरी ट्रैवलर लेनी पड़ेगी, या तो ISBT के लिए दूसरी ट्रैवलर, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन रहे आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम ID पर rakesh.indori, या तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। इंदौर की बाकी वीडियो देखना मत भूलना, और ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार करते रहो। बाय।